हेलो गाइज, जब से राधे का ट्रेलर रिलीज हुआ है हर कोई यही कह रहा है कि राधे फिल्म कॉपी है कोरियन फिल्म द आउटलॉज की। सबसे पहले दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, किसी बाहर की कंट्री की फिल्म को देखकर उसका प्लॉट उठाकर उसे अपने ढंग से मॉडिफाई करके अगर बनाया जाए तो क्या उसे कॉपी कहा जाएगा? चलिए मैं आपको दोनों फिल्मों की फुटेज साइड बाय साइड चला के दिखाता हूँ। उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो किसी भी फिल्म को देख के कॉपी है करने लग जाते हैं, तो भाइयों अपना दिमाग लगाया करो, किसी के भी बहकावे में आके कुछ भी बोलना चालू मत कर दिया करो। कॉपी और प्लॉट उठाने में डिफरेंस होता है। ये देखो, ये साउथ कोरियन फिल्म द आउटलॉज का फुटेज है। ये हीरो के एंट्री का सीन है जहाँ हीरो फाइट करने के लिए आया है। सच बताना आपको ये सीन कैसा लग रहा है, लेकिन उससे पहले राधे का फुटेज देख लो। राधे की सिनेमेटोग्राफी, सलमान के एंट्री, एक्शन, डायलॉग्स, सलमान के लुक्स। अब आप मुझे ये बताओ दोनों में से आपको कौन सा बेहतर लगा? मैं क्या सोचता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए साउथ कोरियन विलन की एंट्री को। एग्जैक्ट सेम सीन दोनों फिल्मों में लिया गया है, तो आप मुझे ये बताना कि किस में ज़्यादा बेहतर लग रहा है। देखिए, राधे फिल्म का जो प्लॉट है द आउटलॉज से लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरी की पूरी फिल्म कॉपी मार दी गई है। कॉपी पेस्ट का कोई सीन नहीं है। फिल्म के कुछ सीन आपको सेम टू सेम दिखेंगे, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अपने तरीके से मॉडिफाई किए गए हैं फिल्म को इंडिया के अंदर। ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया गया है। हाँ, उसमें भी ड्रग्स वगैरह का सीन दिखाया है, राधे में भी ड्रग्स का सीन है, उसमें भी वो पुलिस वाला है, राधे भी पुलिस वाला है, लेकिन राधे के कॉस्ट्यूम अलग है, राधे का स्टाइल अलग है, राधे के डायलॉग अलग है, राधे का बात करने का तरीका अलग है। साउथ कोरियन फिल्म में कोई हीरोइन नहीं है, ना ही साउथ कोरियन फिल्म के अंदर कोई गाने हैं, तो अब ऐसे में आप एग्जैक्ट कॉपी कैसे बोल सकते हो राधे को? तो दोस्तों ये मेरा ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मूवीज से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ।